करके। सर कन्हैया कुमार ये मुसलमान है क्या? सर हिंदू है कन्हैया कुमार, है ना, हम उसका समर्थन करें क्या? देशद्रोही है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाना जट को CBFC से नहीं मिली हरी झंडी, हो चुकी है अब ये इंडिया में बैन। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि जिस स्टूडियो ने पहले ही सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से द लेजेंड ऑफ मौलाना जट के लिए क्लीयरेंस हासिल कर लिया था, लेकिन सोमवार को CBFC ने फिल्म को रिलीज करने से अपने हाथ खींच लिए हैं। साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि द लेजेंड ऑफ मौलाना जट को आगे कब रिलीज किया जाएगा इसके बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं कहा गया है। माना जा रहा है कि फिल्म की रिलीज अब एक साल बाद की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म को पहले 23 दिसंबर को रिलीज किया जाना था, उसके बाद जिस स्टूडियो ने इसको 30 दिसंबर की तारीख फिक्स की गई थी, बट अब इसको देश भर में विरोध, इसको बॉयकॉट, इसको बैन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अब CBFC ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इसको पूरे इंडिया में कहीं भी रिलीज नहीं किया जाएगा। दोस्तों भारत में जहाँ अभी आज के टाइम पे पठान को लेकर बॉयकॉट हो रहा है, तनुषा शर्मा केस को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है, और अब मौलाना जट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध दर्गों पर देखा गया है, तो इसके चलते CBFC ने इसको रिलीज ना करने की सलाह दे दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय गाइज़।